चीन और पाकिस्तान अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल एक प्रयोगशाला की तरह कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इन दोनों ही देशों के इस खतरनाक फॉर्मूले का तोड़ ढूंढ लिया है। अफगानिस्तान और उसके आसपास इस वक्त शय और मात का जबरदस्त खेल चल रहा है, जिसमें भारत ने अब एक बड़ी चाल चल दी है। दरअसल तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही पूरे भूभाग में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। आसपास के कई देशों के लिए अफगानिस्तान का ये संकट नए खतरे की तरह सामने निकल कर आ रहा है। भारत ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था और इसके लिए एक जबरदस्त चक्रव्यूह भी तैयार कर लिया था। भारत ने यहाँ अपनी कूटनीति का ऐसा इस्तेमाल किया कि एक झटके में तालिबान, पाकिस्तान और चीन देखते रह गए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक ये माना जा रहा था कि रूस और ईरान तालिबान के प्रति थोड़े नरम हैं। ये भी माना जा रहा था कि ये दोनों देश तालिबान को परेशानी के रूप में नहीं देखते, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इन दोनों देशों ने खुले तौर पर अपना रुख पलट लिया है, और ये हुआ भारत की जबरदस्त कूटनीतिक सफलता के चलते। आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने वो कौन सा जाल बुना जिसमें चीन और पाकिस्तान फंस गए। भारत ने हाल ही में रूस के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने रशिया के एनएसए से बात की। इसके साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ईरान के साथ लगातार संपर्क में थे। भारत ने रूस और ईरान को ये बता दिया था कि तालिबान के आते ही किस तरह से आसपास के देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, कई आतंकी संगठन दोबारा खड़े हो गए। आपको बता दें कि लगभग खत्म हो चुका ISIS भी दोबारा एक्टिव हो गया। ये सभी आतंकी अफगानिस्तान की सीमाओं से मध्य एशियाई देश जैसे कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में घुसने की कोशिश में लगे हुए थे, जो रूस के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि ये आतंकी अगर इन मध्य एशियाई देशों में घुस गए तो उनके लिए रूस में घुसना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ ही ईरान की सीमा भी अफगानिस्तान से लगती है, तो खतरा ईरान के लिए भी उतना ही बड़ा था। भारत ईरान और रूस को इस खतरे के बारे में समय रहते आगाह करने में सफल रहा, और इन दोनों देशों ने तालिबान के बजाय भारत का साथ देना ही सही समझा। अब बारीकी से समझते हैं कि ये भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। पिछले महीने तालिबान को लेकर एशिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था, उसकी तस्वीर भारत के लिए कुछ खास अच्छी नहीं थी। अंदेशा था कि तुर्की के साथ रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान मिलकर तालिबान के साथ एक ऐसा गठजोड़ बनाएंगे जो अंततः भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन एक महीने बाद स्थितियां काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। तालिबान ने जिन 6 देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया था, उनमें से 2 महत्वपूर्ण देश यानी रूस और ईरान अब तालिबान के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाते दिख रहे हैं। दोनों ने ही तालिबान की सरकार को न मान्यता दी है और न ही उससे बातचीत करने की कोई इच्छा जताई है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। रूस हालांकि भारत का बहुत पुराना सहयोगी है, लेकिन पिछले दशक में जब से भारत ने अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाना शुरू किया, तब से रूस थोड़ा नाराज था। ईरान के साथ भी भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। 2018 में जब अमेरिका ने रूस और ईरान दोनों को ही काटसा यानी कि काउंटरिंग एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित देशों में डाला, तब भी लाख दबाव के बावजूद भारत रूस और ईरान पर किसी किस्म का प्रतिबंध लगाने को राजी नहीं हुआ। ये बात न तो रूस भूला है और न ही ईरान। तालिबान के साथ पिछले एक महीने में जो कुछ चला, उसके नतीजे में अब दुशांबे यानी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में भारत कई चर्चाएं शुरू करने वाला है, जिसमें रूस भी होगा, ईरान भी होगा और ताजिकिस्तान भी होगा। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों ही CIS कंट्रीज हैं, जो कि सोवियत संघ के कभी हिस्से हुआ करते थे, और अब उन दोनों की ही सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। रूस इन दोनों ही जगहों पर अपने सैनिक अड्डे रखता है। रूस को डर है कि तालिबान का असर, इस्लामिक आतंकवाद का असर उसके इलाके तक न पहुंच जाए और चेचेन आतंकवादी दोबारा सर न उठाएं, जिनसे रूस बहुत परेशान रहा है। दूसरी तरफ ईरान का लगभग 900 किलोमीटर का हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है। ईरान और तालिबान के बीच में काफ़ी बातचीत होती रही,
लेकिन अभी फिलहाल में जो ईरान ने कई बयान दिए हैं उससे समझ में आ रहा है कि तालिबान और ईरान के बीच में दूरी काफ़ी बढ़ गई है। तालिबान की सरकार को लेकर ईरान ने आलोचना की। उसने कहा कि ये सरकार इंक्लूसिव नहीं है, यानी इसमें अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही उसने पाकिस्तान की भी आलोचना की कि वो अफगानिस्तान के मामलों में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है। पंजशीर पर जब तालिबान ने हमला शुरू किया और ये खबरें आईं कि पाकिस्तान की वायुसेना तालिबान को समर्थन कर रही है पंजशीर के हमलों में, उसकी भी ईरान ने कटु आलोचना की। तो आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने की संभावना हो सकती है वो रूस, ईरान और भारत वर्सेस चीन, पाकिस्तान और तालिबान हो सकता है। इसमें अफगानिस्तान के जो चारों तरफ के देश हैं उसमें चीन और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देश तालिबान के विरोधी होंगे और भारत के समर्थक होंगे, जैसे ईरान, जैसे सेंट्रली जैसे सीआईएस कंट्रीज में ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और उनके पीछे रूस। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है जो कि अब शायद भारत के ज्यादा पक्ष में। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।